नाजन वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी चयो है त कानून तरीके सां परदेह में सीड़पकारी करण गलत ना है। अड़ा मानू भी आन जिन जो दुबई में मिल्कियतू आन पर संदन नाला ना है नाया लगी रहो है त कुछ मानन के टारगेट कए पियो वने लीगल मनी कोई है या वो बताए। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज निकाल ली हमने। अरे भैया आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी, लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई भार नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पर टैक्स आप यहाँ पर देते हैं, टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है। लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी, हाँ किसी के पास नाजायज है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाए। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं अलाना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। देखें मैं मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें अगर कहीं पे ये आता ना कि जी फलां बंदे की ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं है या ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ या उसने इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराया हुआ वहाँ, लेकिन लेकिन हर एक को इंडिविजुअल हैसियत में मेरा ख्याल है कि डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और असल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए।